ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस वीडियो में हम काल भैरव उत्कट प्रसंग के ऊपर बात करेंगे। काल भैरव कौन है और काल भैरव साधना कैसे करें, बहुत ही आसान विधि में जो हर कोई कर सकता है। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तंत्र की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से एक भैरव मंत्र साधना तंत्र की एक ऐसी अद्भुत क्रिया है जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होना निश्चित है। यह साधना न केवल व्यक्ति के ग्रह दोषों को नष्ट करती है, बल्कि यह साधना व्यक्ति के सोए हुए भाग्य का उदय कर देती है। यहाँ तक कि इस साधना को करने के मात्र 21 दिनों के भीतर आप देखोगे कि काल भैरव स्वयं आपको अपना अनुभव कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको वह मंत्र बताएं और इस साधना को कैसे किया जाए, इसकी संपूर्ण विधि बताएं, हमारा यह जान लेना जरूरी है कि भले ही साधना के अनगिनत लाभ हो, लेकिन जब बात काल भैरव साधना की आती है तो उसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। भैरव आखिर है कौन, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, साथ ही मंत्रों का सही उच्चारण करने का क्या विज्ञान है, उसकी क्या विधि है, ताकि यदि आप पहली बार साधना कर रहे हो और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तब भी आपको इस साधना का संपूर्ण लाभ मिल सके। एक बार की बात है, जब भगवान शिव विनाश पर उतर आए थे, किसी चीज का नहीं बल्कि समय का विनाश, चारों तरफ अफरा तफरी थी, ब्रह्मांड यातना से जल रहा था और लोग भयंकर पीड़ा से गुजर रहे थे। लेकिन क्या कारण है काल भैरव के द्वारा फैलाए गए इस विनाश का? भगवान शिव के इस स्वरूप को विनाश का देवता क्यों कहा जाता है? यह तस्वीर आपकी और हमारी जीवन लीला को दर्शाती है कि कैसे हम जन्म लेते हैं, फिर हम या तो पाप करते हैं या पुण्य, फिर आगे चलकर कैसे हम अपने द्वारा किए गए पाप या पुण्य के चलते दुख या सुख का भाग ही बनते हैं। जब मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा अगले जन्म में दुख भोगता है तो उस दुख में, उस पीड़ा में अक्सर वह भगवान का नाम लेता है, उन्हें याद करता है और अच्छे कर्म करता है। वहीं पुण्य करके सुख भोगने वाला इंसान सुख में अक्सर इतना डूब जाता है कि वह भगवान को कभी याद नहीं करता। वह ऐशो आराम में इतना मग्न हो जाता है कि परमात्मा से दूर हो जाता है, जो उसे बेहोशी की तरफ ले जाती है और उसे मूर्छित कर देती है। यही मूर्छा दोबारा उसे पाप करवाती है। जिस मूर्छा के कारण अभी जो अमीर है और सुख भोग रहा है, वह दोबारा निम्न योनि को प्राप्त होता है और अगले जन्म में दुख भोगता है, और जो गरीब है वह अगले जन्म में अपनी प्रबल चेतना के कारण उच्च योनि को प्राप्त होता है और सुख का भागी बनता है। उच्च से निम्न और निम्न से उच्च बनने की यह प्रक्रिया अंतहीन रूप से जारी रहती है। काल का यह पहिया सदा घूमता रहता है। अगर कोई ऊर्जा किसी तरह आपके काल का विनाश कर दे, आप जो भोगने वाले हैं, फिर चाहे वह सुख हो या दुख, अगर उसे एक पल में कर दे तो आप देखोगे कि आपको एक क्षण चाहिए होगा जागरूकता का और वह घटना घट जाएगी, जिसे मुक्ति कहते हैं। तो जिन्हें हम काल भैरव कहते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जीवन अच्छे से नहीं जीते हैं, इसलिए हमारे मन में एक इच्छा होती है कि कम से कम हम एक शानदार मौत मर सकें। इसलिए उत्तर प्रदेश की काशी वह जगह है जहां यह तय था कि भले ही हम अपना जीवन कितने ही खराब तरीके से जिए हों, लेकिन जैसे हमारा अंत निकट आया और इससे पहले कि हम कोई अगला शरीर धारण करें और नए शरीर के साथ दोबारा कर्म कर सुख और दुख का भागी बने, इससे पहले ही काल भैरव आपके आखिरी पल में, आप आगे चलकर जो भी भोगने वाले हों उसे एक झटके में आपकी चेतना से गुजार देते हैं। इसी प्रक्रिया को तंत्र में भैरव यातना कहते हैं। अगर आप उस क्षण थोड़े भी जागरूक रहें तो आपकी मुक्ति होना तय है। अब हम आपको वो तरीका बताते हैं जिससे आप गहरे ध्यान में उतर सकते हैं
और इस साधना को और इसमें दिए गए मंत्रों को कर सकते हैं। सबसे पहले मंत्र सुनिए। मंत्र है ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र को करने के लिए आप 24 घंटे में कोई भी ऐसा समय चुन लीजिए जिस समय में आपको परेशान करने वाला कोई ना हो और जिस समय आप सबसे ज्यादा शांत हो। कुछ लोगों के लिए सुबह के 4 बजे यानी ब्रह्मा मुहूर्त हो सकता है, वहीं कुछ लोगों के लिए रात का समय हो सकता है। आपको जो सुविधाजनक लगे आप चुन सकते हैं, बस दोपहर छोड़कर। अब कितनी मालाएं करनी है तो यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। शुरुआत एक माला से कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होने लगे वैसे वैसे मालाओं की संख्या 5 कर दीजिए। अब जाप कैसे करना है उसके लिए शुरुआत के पहले हफ्ते आप बिल्कुल हल्के स्वर में बोल कर करेंगे, ऐसा कि यह मंत्र सिर्फ आपको सुनाई दे। ऐसा करते वक्त मंत्र पर ध्यान कायम रखें और उसके प्रति जागरूक रहें। इसके बाद इस मंत्र को केवल आप अपने मन में दोहराएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका इस मंत्र पर ध्यान कायम होने लगेगा और आपको बोलकर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह साधना आपको रुद्राक्ष की माला पर करनी है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसके लिए आप पंचांग में देख सकते हैं कि किसी महीने में कौन सी तारीख अष्टमी तिथि को पड़ रही है। उसके बाद एक लाल आसन आपको जमीन पर बिछा लेना है। फिर इसके बाद इस भैरव मंत्र का जाप करें। काल भैरव के किसी तस्वीर के सामने ध्यान रखें कि तस्वीर किसी शक्ति पीठ की होनी चाहिए। साथ ही इस साधना में भोग लगाना बहुत आवश्यक है। भोग में आप गुड़ और फूला चना का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दही बाड़े का या फिर खिचड़ी और पापड़ का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा है। जब यह साधना अच्छे से हो रही होगी तो काल भैरव आपको जरूर संकेत देंगे कि उन्होंने भोग ग्रहण कर लिया है। अब अधिकतर साधक जो गलतियां करते हैं वो यह है कि किसी साधना या मंत्र जाप को करते वक्त हम बिना अपने बुद्धि मन और अहंकार को किनारे किए साधना में बैठ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उस मंत्र पर हमारा ध्यान नहीं लग पाता और हमारी साधना विफल हो जाती है। ना तो हमें उस देवता का अनुभव हो पाता है जिसकी साधना हम कर रहे हैं, ना ही हमें साधना का कोई फल मिलता है। इसीलिए हमारा यह जान लेना जरूरी है कि मन की जिस अवस्था में हम ईश्वर को पुकारते हैं या उनका कोई मंत्र जाप करते हैं वो उस अवस्था से बिल्कुल अलग है जिस अवस्था में हम आम तौर पर होते हैं। मस्तिष्क की समान अवस्था में यह संभव ही नहीं है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन पाए। सबसे पहले हैंग बर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1929 में यह पता करने के लिए कि एक आम आदमी और एक साधक का मन कैसे एक दूसरे से अलग है, अलग अलग मन और साधकों के मस्तिष्क का परीक्षण किया। उसके बाद जो नतीजा मिला वह चौंकाने वाला था। परीक्षण में यह नतीजा आया कि मस्तिष्क में मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे जैसे कोई चौथी अवस्था के करीब पहुंचने लगता है वैसे वैसे उसका ध्यान और गहरा होता जाता है। सबसे पहली अवस्था है बीटा स्टेट। इस अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 14 हर्ज से 30 हर्ज के बीच होती है। आसान शब्दों में फ्रीक्वेंसी हमें यह बताता है कि समय की एक इकाई में हमारे मन में कितनी गतिविधि हो रही है। फिर इसके बाद आता है अल्फा स्टेट। इस स्टेट में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और घट जाती है। जहां सामान्य इंसान बीटा स्टेट में होता है वहीं एक साधक अल्फा स्टेट में होता है। कोई भी मंत्र जाप या साधना इसी स्टेट में की जाती है, बिना इसके साधना संभव नहीं है। फिर इसके बाद जो अगली फ्रीक्वेंसी आती है जो अल्फा स्टेट से भी सूक्ष्म है वह है थीटा स्टेट। यह सिर्फ 4 से 8 हर्ज के बीच होती है। यही वह स्टेट है जिसमें लोग देवताओं से संपर्क कर लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। यह किसी मंत्र को जाप करने की सर्वोच्च अवस्था है। अगर इससे भी डीप स्टेट की बात करें तो वह है डेल्टा स्टेट।
जो सिर्फ 1 से 3 हर्ज के बीच होती है, यानी लगभग शून्य स्टेट में। साधक को समय का आभास नहीं होता। इस स्टेट में साधक लगभग समाधि में चला जाता है या फिर गहन निद्रा में। हम इसका अनुभव करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।